हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रक्षा और रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं अपने घर के चार ब्यूटीफुल वाशबेसिन के बारे में बताने वाली हूं। ये बेहद ही सुंदर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं अपने घर के बारे में धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगी, तो मैं वही शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने वाशबेसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आप पहला वाशबेसिन देख रहे हैं, ये बेसिन हमारा गोल्डन फिनिश में है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मोस्टली लोग गोल्डन कलर में वाशबेसिन नहीं लगवाते हैं, लेकिन मैंने लगवाया है और मुझे इसमें कोई भी शिकायत नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा है और देखने में तो बेहद खूबसूरत लगता है। जैसे ही कोई आता है तो उसे बेसिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी शाइनिंग है। देखिए कितनी प्यारी, बिल्कुल मिरर पॉलिश लग रही है। तो काफ़ी अच्छी इसकी शाइनिंग है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं इसमें पीछे ये देखिए नल लगा हुआ है। तो ये इसकी हाइट का है, तो अभी एकदम से फिट नहीं है ये, अच्छे से थोड़ा हिल रहा है। और मैं यहाँ पर पीछे इसके टाइल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिन की मैचिंग के ही येलो कलर में टाइल्स दिए हैं। ये टॉवल हैंगर है, ये ब्रश रखने के लिए है और यहाँ पर ये सोप रखने के लिए है। तो अब मैं इसको फुली आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये टेबल वाला है, काउंटर वॉशबेसिन है, तो मैंने इसके नीचे टेबल बनवाई है। तो रैक है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने समर सेविल का बॉक्स वगैरह रखा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं हम लोग जो मोस्टली यूज़ नहीं आती हैं, तो इस तरह से इसमें हमने नीचे की ओर रैक बनवाई है। और इसके आप साइड में देख सकते हैं तो साइड में कुछ इस तरह से है और दूसरी तरफ भी आप साइड में ऐसे ही इसका बना हुआ है पैटर्न। ये देखिए पूरा एक बॉक्स जैसा है और ऊपर इसमें हमने गोल्डन कलर का बेसिन रखा हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेसिन है। तो ये मैंने ख़रीदा था करीब 9,000 रुपये का, ऑफलाइन ही ख़रीदा था इसको, मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे वाशबेसिन के बारे में। तो ये जो दूसरा वाशबेसिन है, इसकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और ये वाइट कलर में है। और इसमें देखिए यहाँ पर टॉवल हैंगर है, कुछ सादा से टाइल्स लगे हैं क्योंकि ये मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, बच्चे लोग खेलते हैं तो बाहर मैंने लगवाया था। नीचे इसके नीचे मैंने टेबल जो बॉक्स होता है वो नहीं बनवाया है क्योंकि बाहर धूप पड़ती है, धूप में वो ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल ये बहुत ऊंचाई पर लग गया है तो इसको मुझे फिर से नीचे की तरफ फिट करवाना है और ये सही से लग नहीं पाया है, तो मैं इसको फिर से इसको लगवाऊँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये। इसे मैंने परचेज किया था 2800 यानी 2800 रुपये में। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाशबेसिन के बारे में। तो ये जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वाशबेसिन है, ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बाथरूम में लगवाया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कैबिनेट बनी हुई है। इसमें अंदर हम लोग शैम्पू वगैरह रखते हैं तो उसके लिए ये कैबिनेट है छोटी सी। तो ये बहुत ही मिनी वॉशबेसिन है, आप लोग बाथरूम में इजीली लगवा सकते हैं। आपको भले ही कैमरे में काफ़ी बड़ा लग रहा हो लेकिन देखने में ये बहुत ही छोटा है। तो ये बहुत ही मैंने इसको शायद 1200 रुपये में ख़रीदा था, बच्चों के लिए है स्पेशल। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी सुंदर लगता है बाथरूम में। तो ये देखिए ये सोप रखने के लिए है, यहाँ पर टॉवल हैंगर है ये, और यहाँ पर हमारा ब्रश का स्टैंड है। तो ये हमारा तीसरा वॉशबेसिन हो गया। बात करते हैं चौथे वॉशबेसिन के लिए। तो ये हमारा छत में लगा हुआ है यानी ऊपर, तो इसको हमने कलरफुल लगवाया है क्योंकि गंदा बहुत होता है, तो वाइट कलर में नहीं लगवाया है। तो ये भी बहुत सुंदर है, ऑरेंज कलर में है, काफ़ी अच्छा वॉशबेसिन है और आप देख सकते हैं छत के लिए परफेक्ट है, इसका कलर फेड नहीं होता है। और यहाँ पर भी कुछ हमने इस तरह से लोकेशन दी है इसकी, और ये बहुत ही हमने सस्ते में लगवाया था, शायद 800 रुपये का पड़ा है ये। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको हमारे घर के वॉशबेसिन? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं और रेसिपी से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।